हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सोया बड़ी की बहुत ही टेस्टी सब्जी, सोयाबीन लबादार। ये सब्जी दिखने में इतनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी थी। अगर मेरी ट्रिक से आपने ये सोया बड़ी की सब्जी बना ली ना, तो गारंटी देती हूँ नॉन वेज तक भूल जाएंगे आप। इसको बनाने के लिए मेरे बताई गई बातों पर गौर फरमाइएगा और मेरे स्टेप्स को फॉलो करिएगा। ऐसा करने से बहुत ही लाजवाब सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लबाबदार सोया बड़ी की सब्जी। तो चार लोगों के लिए सब्जी तैयार करने के लिए हमको चाहिए 2 कटोरी सोया बड़ी। सोया बड़ी को जल्दी बनाने के लिए गुनगुने पानी का हमने इस्तेमाल किया है। अब इसको 10 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने लिया है 2 बड़े साइज में प्याज, 1 बड़ा टमाटर और 1/2 कटोरी लहसुन। प्याज और टमाटर को रफली चॉप कर लेंगे। तो ये सोया चंक्स अच्छे से सोक हो चुका है, तो मैंने इसको दबा कर देखा तो ये सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके पानी को ड्रेन कर देंगे और सोया चंक्स में बचे हुए पानी को इस तरह से दबा दबा कर पानी निकालते हुए सोया चंक्स को दूसरी प्लेट में रख दें। बस इस तरीके से सारा पानी इसका निकाल दें। अब चलते हैं आगे की तैयारी करने के प्रोसेस में। मीडियम फ्लेम पे ऑन करके मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। उसमें 1 कटोरी रिफाइंड ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है और वो गर्म हो चुका है। अब सोया चंक्स को इसमें फ्राई करेंगे। सोया चंक्स को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्का सा क्रंची ना हो जाए। यहाँ पे ध्यान में ये देना है कि सोया चंक्स को जब एक बार डाल दें तो उस समय इसको फ्राई होने देना है, इसको चलाना नहीं है। अगर इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे तो ये नीचे का जितना भी सॉफ्टपन है वो कढ़ाई में चिपक जाएगा और सोया चंक्स टूटने लगेगा। जब एक साइड से थोड़ा सा शैलो फ्राई हो जाए तब इसको दूसरी तरफ चलाते हुए पलट दें। इस तरीके से करने से सोया चंक्स आराम से पलट जाएगा और आपको कढ़ाई में से बार बार छुड़ाना नहीं पड़ेगा। जैसे कढ़ाई की साइड में से चिपक जाता है तो छुड़ाना पड़ता है ना, वो नहीं करना पड़ेगा। बस इस तरीके से ही ये सोया चंक्स आपको फ्राई कर लेना है। अगर आप 1 से 2 बैच में इसको फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चंक्स के लिए थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल किया है क्योंकि ये सोया चंक्स बहुत ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए जब ज़रूरत पड़ेगी तो और तेल इसमें डाला जाएगा, नहीं तो नहीं डाला जाएगा। सोया चंक्स फ्राई होकर एकदम तैयार हो चुका है। अब इसको प्लेट में निकाल लूँगी। चंक्स फ्राई करने के बाद कढ़ाई में अभी भी थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है। इस बचे हुए ऑयल में मैं लहसुन, प्याज और टमाटर को फ्राई कर लूँगी। अगर सोया चंक्स फ्राई करते हुए तो ऑयल ख़त्म हो जाए तो लहसुन और प्याज को फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें। अब मैंने यहाँ पर लहसुन डाल दिया है, प्याज डाल दूँगी और टमाटर। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को फ्राई होने देंगे और हमको इन चीज़ों को तब तक फ्राई करना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। जब तक ये तीनों इंग्रेडिएंट पककर अपने स्टेज पे आते हैं तब तक के लिए इसको ढककर छोड़ देते हैं। अब चलते हैं दूसरी तैयारी करने की तरफ। यहाँ पर मैं फ्राई किए हुए सोया चंक्स को एक बॉल में डाल रही हूँ क्योंकि हमको सोया चंक्स को थोड़ा सा अलग कुछ फ्लेवर देना है और इसके लिए कुछ अलग मसालों का इस्तेमाल करना है। इसको फ्लेवर देने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें सबसे पहले दही। यहाँ पर मैं छोटी कटोरी से नापते हुए 1 कटोरी दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी मेजरमेंट स्पून के हिसाब से 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक। अब इसके बाद हमको डालना है इसमें बारीक कटे हुए लहसुन। लगभग 1/4 कटोरी मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए लहसुन इसमें डाल दिए। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से हम सोया चंक्स को अच्छे से कोट कर लेंगे। जब चंक्स अच्छे से कोट हो जाए तो इसके बाद इसको ढक के रेस्ट करने दें। अब चलते हैं ग्रेवी तैयार करने के प्रोसेस में। तीनों चीज़ें आराम से पक गई हैं, ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसको ठंडा करके इसको पीस लेंगे। अगर मिक्सर में पीस रहे हैं तो प्लीज़ इसको ठंडा करके ही पीस लेंगे। अगर ये ठंडा हो चुका है, लगभग हल्का सा गर्म हो, तो मिक्सर में पीसते समय थोड़ा सा ठंडा पानी इसमें ऐड कर लें और ग्रेवी तैयार कर लें।
अब चलते हैं आगे की तैयारी करने के प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया था, उसमें डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल। इसको तड़का लगाने के लिए मैंने 2 से 3 लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है और डाल दिया है इसमें 1/2 चम्मच जीरा। सब्जी को फ्लेवर देने के लिए मैंने 3 तेज पत्ते का इस्तेमाल किया है। जब तड़के तड़क जाए तो इसमें डाल देंगे हम प्याज, लहसुन और टमाटर की प्यूरी। प्यूरी इसमें ऐड करते वक्त इसके गैस की फ्लेम को बंद कर दें। गैस की फ्लेम बंद करने पर तेल ऊपर आ जाएगा और यही इसको कलर और टेक्सचर देगा। ग्रेवी को इस तरीके से अभी टोस्ट करते रहे हैं और 5 मिनट बाद इसकी फ्लेम को फिर से ऑन कर लें। अब बारी आती है इसमें मसाले ऐड करने की। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बड़ी इलायची कूट कर इसमें डाल दी है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला। मैंने यहाँ पे गरम मसाले का कम इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको जब बनाना हो तो इसमें लगभग 3 चम्मच गरम मसाला ज़रूर ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे चुटकी भर दालचीनी पाउडर का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है और 2 चम्मच इसको कलर देने के लिए देगी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम धनिया पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स होने देंगे। अब इस ग्रेवी की भुनाई के लिए स्लो फ्लेम पे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ढककर इसको भूनने दें। जब तक 15 मिनट में ग्रेवी तैयार होगी, तब तक के लिए इसको बीच बीच में टोस्ट करते रहें। जब ये ग्रेवी ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तो समझ लीजिए आपकी ग्रेवी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। इस तरीके से इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसमें कोट की हुई सोया बड़ी को ऐड कर दें। सोया बड़ी ऐड करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए और भूनने दें। देखिए बहुत ही लाजवाब इसका कलर आया है। अब इसको बारीक कटे हरे धनिए से गार्निश करके रोटी, चावल, पराठा, पूरी किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। राजस्थान में जैसे सब्जी बनती है, मैंने इस सब्जी को उसी तरीके से इसको फ्लेवर दिया है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाटी खाया जाता है, तो मैंने इसको बाटी के साथ ही सर्व किया है। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हो ना, तो इस तरीके से ये सब्जी बना के ज़रूर उनको सर्व करिएगा, बहुत पसंद आएगी। और सब्जी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।